इंसान को खुद मालूम होता है मैं कितने पानी में हूं, कहां खड़ा हूं, चाहे वो लोगों की जबाने बंद कर देगा दलील से, बुरहान से, एक्सप्लेनेशन से, नेशनलाइजेशन से। आप दलील के साथ नहीं, यूं नहीं है, यूं है, मेरा जो किया था तो इसलिए किया था, यूं नहीं किया था, मेरी नीयत देखती, आपने लोगों की जबाने तो बंद कर दी। एक तो ये कि अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह को मालूम है कि तुम हकीकत में क्या, और तुम्हारा जमीर भी तुम्हें बता देता है तुम झूठ बोल रहे हो, जिसका नाम गिल्टी कॉन्शियंस है। ये कॉन्शियंस जिसकी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कसम खाई, ला उक्सिमु बियौमिल कियामा वला उक्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा, ये जो अंदर से मलामत होती है इंसान को, देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम जुल्म कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान जो है वो डिटाई के साथ वो अपने जमीर की आवाज को दबाकर गलत काम करता है। इस एतबार से वो जो हमल वो अपने आगे भेज चुके हैं, जो करतूत इनके जाके जमा हो चुके हैं, जो अल्लाह ताला की अल किताब वबुज़ अल किताब जैसे सूरह काहफ में कहा गया, जब वो आमाल नामा कोई ज्वाइंट किस्म का कोई कंप्यूटर होगा जिसमें हर इंसान के लिए वो एक बस बटन दबाने की देर होगी कि उसकी पिक्चर सामने आ जाएगी, पूरी जिंदगी की तस्वीर देख लो भाई, खुद देख लो, एक एक लफ्ज जो बोला था वो सामने। आज तो हमारे लिए ये चीजें मानना बहुत आसान हो गया, आज से 200 साल पहले लोगों का मानना वो कुल्लियतन ईमान बिल गैब था, आज तो हमारे सामने है, आप बटन दबाते जो मर चुके हैं उनकी आवाजें सुन रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, जो भी गुलूकार या गुलूकाराएं मर चुकी हैं उनके भी गाने आप पर टेलीविजन के ऊपर रेडियो पे सुन रहे हैं, इसलिए कि वो सब रिकॉर्ड है, फिल्म मौजूद है, तो हर इंसान की जिंदगी की मुकम्मल फिल्म, और जो जो लफ्ज़ मा यलफ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो लफ्ज़ ज़बान से निकला है वो महफूज है, रिकॉर्डेड है, वो लाकर मैदान हश्र में रखा जाएगा, वो जॉइंट कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर, सुपर और सुपर से भी सुपर कंप्यूटर, कफा में नफ्स कल यौम अलैका हसीबा, ये तुम्हारी देखो किताब है, तुम्हारा देख लो, तुम्हारी पिक्चर है देख लो। तो फरमाया जो कुछ इन्होंने आगे भेजा हुआ है इन्हें मालूम है, इनका जमीर जानता है कि इन्होंने हराम खोरियां की है, गलत काम किए, इन्होंने झूठ बोले, इन्होंने अल्लाह की किताब को छुपाया है, इन्होंने फतवे देकर पैसे हासिल किए, फतवे बेचे हैं, खूब जानता है, लिहाजा उनका जमीर जो है इतना आलूदा है कि वो कभी भी अल्लाह से मुलाकात के आरजूमंद नहीं हो सकता।